नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने पिछले दिनों पढ़ा प्रतिरोध। प्रतिरोध के विषय में पिछले दिनों अध्ययन किया ओम्स लॉ के विषय में कि किसी भी तार में अगर धारा प्रवाहित होती है तो तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, उस विभवांतर तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर डेल्टा वी होता है, वह प्रोपोर्शनल होता है आई के, या डेल्टा वी बराबर हमने कहा कि आर इंटू आई। जो ये आर कांस्टेंट होता है, यही होता है प्रतिरोध। इसी को कहा जाता है क्या? प्रतिरोध। इसका कार्य होता है कि धारा के बहने का विरोध करता है। प्रतिरोध क्या होता है? कि धारा के बहने का विरोध करता है। यह जितना अधिक होगा उतना ही कम धारा प्रवाहित होगी, उतना ही कम धारा प्रवाहित होगी, या धारा को प्रवाहित करने में ऊर्जा का लाश ज़्यादा होगा। आर अगर अधिक है, जैसे कुचालक पदार्थ होते हैं, तो कुचालक के अंतर्गत प्रतिरोध जो है इनफाइनाइट होता है। जितने भी कुचालक होते हैं उनमें प्रतिरोध कुछ ना कुछ होता है। अब प्रतिरोध ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब वो कुचालक की भांति व्यवहार करेगा, इनफाइनाइट हो जाए तो उसमें धारा बहेगा ही नहीं। और प्रतिरोध जितना कम रहेगा उतना ही आसानी से धारा प्रवाह होगी। और यह प्रतिरोध के अधिक होने के कारण, प्रतिरोध किसी भी चालक में अगर अधिक है तो ऊर्जा का लाश ज़्यादा होगा। जैसे जो ये डेल्टा भी होता है, ये वास्तव में क्या होता है कि अगर सपोज दैट ये तार है, तार के इस सिरे पर जो है अगर 20 वोल्ट का विभव है, यहाँ पर नापा जाता है तो 20 वोल्ट का विभव है, और जब ये यहाँ पर नापा जाता है तो यहाँ 18 वोल्ट का विभव मिलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ बीच में कुछ कार्य तो हुआ नहीं, परंतु यहाँ 20 वोल्ट मिला, यहाँ 18 वोल्ट मिला, तो इसके बीच में विभव 2 वोल्ट कहाँ चला गया? तो जो 2 वोल्ट कम हो गया, 20 वोल्ट के जगह पर 18 वोल्ट हो गया, वह 2 वोल्ट यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य हो गया। किसको ले जाने में? आवेश को ले जाने में। हम जानते हैं कि धारा क्या होता है, तो धारा जो है आवेश प्रवाह की दर होता है। इसका मतलब आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में जो कार्य हुआ, ऊर्जा में लाश हुआ, वही 2 वोल्ट है। अब आप तो जानते हैं कि V बराबर होता है W बाई Q होता है। इसका मतलब एकांक आवेश को इस सिरे से इस सिरे तक ले जाने में जितना कार्य हुआ, उसी को हम कहेंगे कि तार के सिरों के बीच का विभवांतर। अब समझिए, तार के सिरों के बीच का जो विभवांतर है, वह विभवांतर क्या होता है? विभवांतर, तो देखिए विभवांतर और विभव में अंतर क्या है कि विभव यहाँ पर है 20 वोल्ट, यहाँ विभव है 18 वोल्ट, लेकिन जब इनका अंतर कर दें तो 20 माइनस 18, तो इसी को कहेंगे विभवांतर। अर्थात अगर यहाँ पर V1 वोल्ट है और यहाँ V2 वोल्ट है इस सिरे पर, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2, जिसको डेल्टा भी से डिनोट करेंगे, और यह डेल्टा भी बराबर हो जाएगा यदि क्यू कूलाम को आवेश को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य W होता है, तो यही डेल भी बराबर हो जाएगा W अपान क्या? क्यू। अर्थात एकांक आवेश को किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य सिरों के बीच का विभवांतर कहलाता है। तार के सिरों के बीच का क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है।
तो लिखिए इसे विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर। और इसमें लिखिए किसी चालक के, किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकांक आवेश को ले जाने में, एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा भी से प्रदर्शित किया जाता है, इसे डेल्टा भी से प्रदर्शित किया जाता है। विभवांतर का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, वोल्ट होता है अथवा जूल प्रति कूलाम, वोल्ट होता है अथवा जूल प्रति कूलाम। लाइन छोड़कर नीचे लिखिए, दूसरे शब्दों में विभवांतर, दूसरे शब्दों में विभवांतर चालक के किसी भी चालक के सिरों पर विभवों का अंतर, सिरों पर के विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। विभवों का अंतर विभवांतर कहलाता है। यदि किसी, यदि किसी चालक के एक सिरे पर विभव V1 हो तथा दूसरे सिरे पर विभव V2 हो, विभव V2 हो तो विभवांतर डेल्टा भी बराबर V1 - V2, V1 - V2। लाइन छोड़िए, नीचे लिखिए, नीचे लिखिए, यदि किसी चालक के, किसी चालक के माध्यम से क्यू कूलाम का आवेश को, क्यू कूलाम के आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में, ले जाने में डब्लू जूल कार्य होता हो, डब्लू जूल कार्य होता हो, डब्लू जूल कार्य होता हो तो लाइन छोड़ दीजिए, डेल्टा भी बराबर, ये लिखिए डेल्टा भी बराबर W अपान क्यू होता है, होता है।
हो गया। बोली अब देखिए, अब देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने आर के विषय में आप लोगों से कल चर्चा किया कि आर जो है प्रतिरोध जो होता है वो रो इंटू एल अपान ए प्रतिरोध की लंबाई एल के समानुपाती या क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके? चालक के। और जो रो होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध होता है जो कि एक ही धातु के लिए कांस्टेंट होता है। जैसे लोहा है तो अलग अलग तार ले लिए जाए लोहा का, आयरन का, तो सबका विशिष्ट प्रतिरोध एक ही होगा, चाहे वो जितना भी लंबा ले लें या छोटा ले लें या मोटा ले लें, विशिष्ट प्रतिरोध तो एक ही होगा, परंतु प्रतिरोध बदलता रहेगा। वो निर्भर करेगा लंबाई, अधिक लंबा तार लेंगे तो अधिक प्रतिरोध हो जाएगा, कम लंबा लेंगे तो कम प्रतिरोध हो जाएगा, अधिक पतला लेंगे, जितना पतला रहेगा तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम रहेगा तो प्रतिरोध जो है मैक्सिमम हो जाएगा, और जितना ही मोटा तार लेंगे उतना ही प्रतिरोध क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब हम समझेंगे कि यहाँ पर आर है और ये रो है, ये एल है और ये ए है, परंतु हमें पता है कि ये आर जो आता है वो तो भी बराबर आई आर होता है, तो यहाँ से अगर हम आर निकालें तो ये क्या हो जाएगा? भी अपान आई हो जाएगा। आर बराबर क्या हो जाएगा? भी अपान आई। अब जरा समझिए कि भी बराबर होता है, भी बराबर होता है डब्लू अपान क्यू। भी बराबर क्या होता है? डब्लू बाई क्यू। अब ये डब्लू बाई क्यू तो जूल प्रति कूलम, तो हम यहाँ पर रख दें W बाई क्यू, तो Q नीचे आ जाएगा ना, और इंटू आई। अच्छा, Q बराबर क्या होता है? तो Q बराबर आई टी, ये भी जानते हैं, तो Q के स्थान पर हम लिख दें आई टी। तो देखिए W अपन यहाँ पर लिख दें आई इंटू टी Q हो गया, और I तो पहले से है, I में I का गुणा हो जाएगा तो I स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए W अपन यहाँ पर हो गया आई स्क्वायर और इंटू क्या हो गया? टी। ये आर है। अब जरा समझिए कि यहाँ पर डब्लू का बीमा, तो कार्य का जो बीमा होता है वो तो आप लोगों को बताया जा चुका है, एक बार नहीं कई बार बताए हैं कि ये एफ इंटू एस होता है, और एफ बराबर जो होता है वो एम इंटू ए होता है, और ए जो होता है वो डेल वी बाई डेल टी होता है, ये सब ए त्वरण होता है, और जो भी होता है वो होता है एस अपान टी। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, तो ये एस हो गया मीट लंबाई, टी हो गया समय, तो भी का बीमा जो होगा वो तो एम टी पर माइनस वन, यहाँ पर एम टी पर माइनस वन अपान टी, तो ये हो जाएगा एम टी पर माइनस टू ए का बीमा, और यहाँ पर एम तो एम है ही, सॉरी एल है ना, यहाँ पर एल लंबाई को एल, तो L एल टी पर माइनस टू हो जाएगा, और यहाँ M तो है ही, M का तो M होता है और L T पर माइनस टू, ये तो F का हो गया, तो यहाँ पर रख देते हैं, तो M L T पर माइनस टू इंटू एल, एस दूरी है, तो ये हो जाता है M L टू T पर माइनस टू। अब देखिए यह बीमा यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो गया M L टू T पर माइनस टू आई, आई का मतलब है एम्पियर, आई का मतलब क्या है? एम्पियर से, इसका मतलब ये है कि एम्पियर का स्क्वायर, और टी तो टी है ही। अब देखिए कि ये ऊपर का बीमा है, ये नीचे का बीमा है, ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा एम एल टू टी पर, ये टू और एक ये ऊपर जाएगा तो माइनस थ्री, और ए पर माइनस टू, ये होता है प्रतिरोध का बीमा। ठीक है, तो लिख लीजिए प्रतिरोध आर की बीमा, आर की बीमा लिख लीजिए जल्दी से। आर का बीमा लिखिए, और ये पूरा लिख डालिए।
लिख लिए। प्रतिरोध की बीमा, हो गया। चलिए अब देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा निकालना हो तो विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि यहाँ पर R बराबर रो इंटू एल अपान ए, तो यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध रो बराबर क्या हो जाएगा, तो R इंटू ए अपान एल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर R का बीमा तो हमें पता हो चुका है, R की बीमा हम लिख देते हैं, ये क्या एम एल पर टू टी पर माइनस थ्री और ए पर माइनस टू। ठीक है, ये आर का बीमा हो गया, और ए का बीमा क्षेत्रफल है तो ये एल स्क्वायर एल पर टू, और लंबाई का तो एल है ही, एल का तो ये आर इंटू ए एल, तो ये तो एल है ही, ये ऊपर जाएगा तो एल हो जाएगा। अब देखिए एल यहाँ पर है और एल स्क्वायर यहाँ है, गुणा करेंगे तो एल क्यू हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि एम एल पर थ्री टी पर माइनस थ्री और ए पर माइनस टू, ये हो गया रो का विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। तो लिख लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा के लिए, और ये पूरा लिखिए रो बराबर आर इंटू ए अपन एल, आर का बीमा लिखिए और ए का और एल का। हो गया, तो विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा आ गया। अब चलिए चालकता, चालकता हम लोग जानते हैं कि स्मॉल जो सिग्मा होता है वो वन अपान रो होता है। इसका मतलब ये है कि ये वन अपान रो का बीमा नीचे लिख दिया जाए, तो रो का बीमा क्या है एम एल क्यू और टी पर माइनस थ्री और ए पर माइनस टू, यही तो है ना। जब ये ऊपर जाएगा तो चिन्ह पलट जाएंगे सभी का, तो ये हो जाएगा एम पर माइनस वन, एल पर माइनस थ्री, टी पर हो जाएगा थ्री और ए पर हो जाएगा टू, प्लस टू हो जाएगा। ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता, चालकता की बीमा। तो लिख लीजिए चालकता की बीमा, चालकता की बीमा। याद रखिएगा कि इन तीन में से किसी न किसी का बीमा जरूर पूछता है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन तीनों के लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट है, तीनों में पूछा जरूर जाता है, कोई ना कोई एक पूछा ही जाता है। आप आगे चल के कॉम्पिटिटिव का एग्जाम दोगे तो उसमें भी पूछा जाता है। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बीमा, प्रतिरोध का, विशिष्ट प्रतिरोध का और चालकता का। चाहे जिस भी एग्जाम में बैठोगे आप, आईआईटी के पेपर में बैठोगे तो भी पूछा जाता है, बीटेक लेवल एंट्रेंस के एग्जाम चाहे जिस स्तर का हो, यूपी टेट का हो, यूपी टेक का हो, तो भी आप बैठोगे तो ये भी उसमें भी पूछा जाता है। मेडिकल लाइन में जितने बच्चे होंगे, मेडिकल में जाना चाहते होंगे, डॉक्टरी लाइन में, उनके भी एंट्रेंस एग्जाम में ये पूछा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बीमा, और बीमा से आता ही आता है।
हो गया। चलिए, तो ये तो था चालकता का, प्रतिरोध का और विशिष्ट प्रतिरोध का बीमा। तो बीमा के विषय में हम लोगों ने देखा कि कैसे बीमा प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब जरा कुछ चीज़ें आप समझिए, ठीक है। पहली बात ये है कि धारा का जो प्रवाह होता है, वो धारा का प्रवाह तभी होता है जब बंद परिपथ बनेगा, और अगर बंद परिपथ नहीं बहेगा तो धारा का प्रवाह नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों को पता है कि धारा का जो प्रवाह होता है, धारा आई जो आई होता है वो क्यू अपान टी होता है, यानी एकांक आवेश, एकांक समय में जितना आवेश का प्रवाह होता है उतना ही वही कहलाता है, आवेश की मात्रा ही धारा कहलाता है, ठीक है। कूलाम प्रति सेकेंड, या इसी को कहते हैं मीटर, ठीक है। एम्पियर, इसी को कहा जाता है क्या, एम्पियर कहा जाता है। अब जरा समझिएगा कि जो ये धारा आई है, ठीक है, तो हमें तो ये भी पता है कि जो कार्य होता है, जो वर्क डन होता है, वो आपने पढ़ा कि वी बराबर डब्लू बाई क्यू होता है। वी बराबर क्या होता है, W बाई क्यू। इसका मतलब इस आवेश को, जब आवेश एकांक आवेश को इधर उधर ले जाने में जो कार्य होता है वही कार्य है W, और उसी को हम विभव से डिनोट करते हैं। तो जो कोई भी अगर कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें जो है अगर हम धारा का प्रवाह कर रहे हैं, आई धारा बह रहा है, यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, तो इसके बीच में डेल्टा भी हुआ विभवांतर। यह डेल्टा भी के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो यह डेल्टा भी के लिए लिखते हैं कि I into R, एक तो ये लिखा जाता है। अच्छा, यही डेल्टा भी होता है ये कि W, यहाँ पर लिख दें कि W/Q, ठीक है, ये लिख सकते हैं कि I into R। अब देखिए कि यहाँ पर क्या हो गया कि ये V W, तो W बराबर हो जाएगा, इधर गुणा कर दें तो Q into I into R हम लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं ना। अब देखिए कि यहाँ पर Q into I into R हो गया, या क्यू के जगह पर लिख दें I into T, तो यहाँ पर लिखेंगे क्यू के जगह पर I into T, यहाँ पर I पहले से है ही, तो I में I का गुणा हो जाएगा, तो I² into R into T, ये हो जाएगा वर्क डन, जो वर्क होता है, ठीक है। अब अगर आप ये देखिए तो यहाँ पर जो डेल्टा V है, तो डेल्टा भी बराबर तो हमें पता है कि W/Q, ये W बराबर हम लिख सकते हैं क्या, V into Q, तो ये भी तो V into Q भी तो हो गया, ठीक है, अर्थात W/V into Q लिख सकते हैं। अब V बराबर क्या है, तो I into R है, तो अगर हम V के जगह पर I into R लिखें तो I into R into क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, ये कार्य हो गया, ठीक है। तो V के जगह पर हमने क्या रख दिया, I into R, V के जगह पर I into R, और ये क्या है, Q, तो यहाँ पर आ गया था कि Q into I into R W, तो यही हो गया। अब देखिए कि यहाँ पर R के स्थान पर हम अगर यहाँ से लिखें R = V/I, तो यहाँ पर अगर लिखा जाए V/I, और यहाँ पर Q है, तो Q को हम I/T लिख देते हैं, I into R into I/I into T, तो ये हो गया ना कि I²R into T, ये कार्य जो यहाँ पर निकल चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर R के स्थान पर हम रख दें V/I, R के स्थान पर रख दिया जाए
आई के स्थान पर अगर हम भी अपान आर रखते हैं, देखिए आई बराबर लिख दें भी अपान आर, तो यहाँ भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो भी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भी बाई भी स्क्वायर इंटू टी अपान क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। यानी जो वर्क डन है वो हमें मिला कि भी डब्लू बराबर हमको क्या मिला, तो कार्य डब्लू बराबर मिला, कार्य बराबर पहला तो मिला कि क्यू इंटू भी, ठीक है, या यही कार्य बराबर क्या मिला क्यू की जगह पर आई टी रख देंगे तो भी इंटू आई इंटू टी, और यही कार्य बराबर क्या मिला तो यहाँ पर हो गया कि आई भी की जगह पर आई आर रखेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, जो कि ये मिला। और यही कार्य बराबर क्या हो जाएगा जब आई के जगह पर हम भी बाई आर रखेंगे तो भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये होता है कार के लिए इतने फार्मूले में से जब जो दिया रहेगा तो हम वर्क निकाल लेंगे, यही वर्क डन होता है आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, यही कार्य होता है। और इसी कार्य के द्वारा हम विद्युत धारा के द्वारा कार्य करते हैं या फिर ऊर्जा में जो लॉस होता है इसी में से किसी के द्वारा ऊर्जा में लॉस होता है, ठीक है। तो लिखिए इसे, यदि यदि Q कूलाम के आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में किया गया कार्य W हो, जिसमें धारा I प्रवाहित होता हो, तथा चालक का प्रतिरोध कैपिटल R हो, तो लाइन छोड़िए, कार्य W बराबर Q इंटू भी, कार्य W बराबर Q इंटू भी। अब Q बराबर आई टी रखने पर, नीचे लिखिए, अब Q बराबर I इंटू टी रखने पर तो रख दीजिए Q बराबर आई टी, तो भी इंटू आई इंटू टी, डब्ल्यू बराबर भी इंटू आई इंटू टी, नीचे लिखिए, अब भी के स्थान भी बराबर आई आर रखने पर, डब्ल्यू बराबर, अब ये लिख लीजिए आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, हो गया। अब लिखिए आई बराबर भी अपान आर रखने पर, अब आई बराबर भी अपान आर रखने पर डब्लू बराबर भी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी, हो गया। ये होता है वर्क डन, ये होता है कार्य, इसी के माध्यम से हम लोग धारा के द्वारा कार्य लेते हैं, ठीक है। जैसे विद्युत हीटर है तो हीटर का प्रतिरोध हो, बल्ब है तो बल्ब में प्रतिरोध होता है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, मोटर है, तमाम चीजें हैं तो उसमें क्या होता है प्रतिरोध होता है, धारा प्रवाहित किया जाता है, जब प्रतिरोध और धारा रहेगा तो कार्य होगा आई स्क्वायर आर इंटू टी से, ठीक।
ठीक है। और अगर विभव है तो हमें वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी से कार्य होगा, ठीक है। अगर आवेश की मात्रा है, विभव है, तो क्यू इंटू वी से कार्य निकाल लेंगे। हम कार्य की गणना कर सकते हैं। अब हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें, उसके बाद फिर हम यहाँ रिटर्न आएंगे और इसके आगे के चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें यहीं पर थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जब ये कार्य के विषय में हम लोगों ने पढ़ ही लिया, तो ज़रा देखिए कि जो ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा डेल्टा एच, तो जो ऊष्मा होता है, आप जानते हैं कि ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी, ठीक है। और एक कैलोरी बराबर होता है, एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल, ठीक है। तो यानी यह इसी को J से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? J से, ठीक है। तो J बराबर 4.18 जूल। तो अब देखिए, अगर हमें इतना जूल पता है और हमें डेल्टा H में बदलना है, तो कार्य मान लेते हैं कि 20 जूल हो रहा है, तो कितना ऊष्मा के बराबर होगा? तो हम कार्य में एक कैलोरी से भाग दे दें, तो एक कैलोरी का मतलब 4.18 से भाग दे दें जूल से, तो ये बदल जाता है कैलोरी में। किस में बदल जाता है? कैलोरी में बदल जाता है, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि ये W बाई 4.8 को या 4.2 को हम लिखते हैं W बाई J। क्या लिखेंगे? W बाई J, ये है डेल्टा H यानी ऊष्मा, ठीक है। तो यह अब W बाई J है, तो W के स्थान पर हम लिख सकते हैं Q इंटू वी अपान J डेल्टा H, या फिर डेल्टा H बराबर लिख सकते हैं क्या? वी इंटू आई इंटू टी अपान J, या फिर डेल्टा H बराबर क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर आर इंटू टी अपान J, या फिर डेल्टा H बराबर क्या लिख सकते हैं इस सभी में कि डेल्टा H वी स्क्वायर इंटू टी अपान J इंटू आर, ये R, तो ये भी लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए जरा इन सभी को भी आप। ऊष्मा यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित होने से चालक गर्म होता हो हीट होता हो, तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा डेल्टा एच बराबर, ये लिखिए W बाई 4.18 कैलोरी या W बाई J कैलोरी। अब W का मान ये सब रख दीजिए एक एक करके, Q इंटू वी अपान J, वी आई टी अपान J, आई स्क्वायर आर इंटू टी अपान J, वी स्क्वायर इंटू टी अपान J इंटू आर, ये पूरा लिख लीजिए। हो गया। अब देखिए यहीं पर समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए हीटर, ठीक है, या मोटर है, और मोटर की क्षमता पावर, तो पावर पी, आप जानते हैं कि क्षमता किसी भी मशीन की सामर्थ्य या क्षमता पूछा जाए तो सामर्थ्य या क्षमता पावर, तो जब पावर पूछा जाए तो पावर क्या होता है कि P बराबर होता है W बाई T,
एकांक समय में किया गया कार्य क्षमता कहलाता है, पावर कहलाता है किसी भी मशीन का। तो हमें पता है कि किसी भी मशीन का अगर हमें पी ज्ञात करना है तो W बराबर तो ये सभी होता है, तो हम इसी में रख देते हैं। तो Q इंटू वी अपान टी पहला, P बराबर अगर इसमें रखेंगे तो T गायब हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी अपान टी, तो टी टी कैंसिल तो वी आई, और P बराबर जब इसमें रखेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी अपान टी, तो टी टी कट जाएगा, तो आई स्क्वायर इंटू आर, या P बराबर अगर इसमें रखेंगे तो वी स्क्वायर इंटू टी अपान आर, तो यहाँ टी इंटू आर, तो टी टी कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बाई आर। तो लिख लीजिए इसको, किसी भी मशीन या यंत्र का सामर्थ्य P हो, सामर्थ्य P हो या क्षमता P हो, तो P बराबर ये लिखिए W बाई टी, और ये पूरा लिख डालिए, हो गया। सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है? वाट होता है। हो गया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि आपसे जो वर्क डन से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं वो उसमें इन सभी फार्मूलों का इस्तेमाल करना होगा, और आपके यूपी बोर्ड में भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है वर्क डन एनर्जी, ठीक है। जब कहीं पर भी करंट फ्लो होता है तो उसके उसमें ऊर्जा होता ही है, और उसी के माध्यम से हम ऊर्जा से काम करते हैं। आगे हम बहुत कुछ इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है, इसी पर बताएंगे। ट्रांसफार्मर जो बनता है उसमें ऊर्जा का लॉस होता है, तो किस प्रकार ऊर्जा का लॉस होता है, कैसे ट्रांसफार्मर को हायर से लो में बदला जाता है, तो ऊर्जा का लॉस होता है कि नहीं होता है, किस तरह जब हम कहीं पर विद्युत को जनरेट करते हैं वहां से विद्युत को दूसरे जगह भेजा जाता है, दूसरे शहर भेजा जाता है, तब हम क्या करते हैं, क्या करें कि ऊर्जा में लॉस कम हो। आप देख रहे हैं कि जब कोई भी चालक है तो एक सिरे पर विभव कुछ है, दूसरे सिरे पर जाकर विभव कुछ और हो जाता है। इस तरह तो हम जब किसी भी जहां पर हम विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, जनरेट करते हैं, वहां से हमें दूसरे शहर भेजना पड़ेगा, तब तो विभव में ज़्यादा लॉस हो जाता है। तो क्या करें कि विभव में लॉस न हो, इन तमाम बातों पर चर्चा आगे बहुत इम्पॉर्टेंट है। आगे जब एसी करंट पढ़ेंगे, अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा, तो आपको अच्छी तरह से सब कुछ समझ में आएगा कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होता है। फिलहाल अभी तो हम ये सभी जो बता रहे हैं ये सब डीसी करंट के लिए होता है, दिष्ट धारा के लिए, ये सारे के सारे चीज़ दिष्ट धारा में अप्लाई होता है, और कैसे एसी करंट में हम अप्लाई करेंगे तो इस पर हम चर्चा करेंगे आगे चल के, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे, अब हम लोग इस पर कुछ न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, ठीक है। तो लिखिए प्रश्न, कुछ प्रश्न, अभी तक कोई प्रश्न हमने नहीं लगाया, सिर्फ आर्टिकल ही आपको बताते रहे। चलिए कुछ प्रश्न लगा लेते हैं, उसके बाद आगे निकला जाएगा। लिखिए पहला नंबर, यदि किसी चालक में से होकर 80 गुलाम का आवेश 80 गुलाम का आवेश प्रवाहित होने में
प्रवाहित होने में 20 सेकंड का समय लगा हो, 20 सेकंड का समय लगा हो तो उस चालक में कितने एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर का विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ पर देखिए Q बराबर दिया है 80 कूलाम और T बराबर दिया है 20 सेकेंड। तो हमें पता है कि I बराबर होता है Q अपान T। तो यहाँ पर लिख दें 80/20, इसका मतलब 4 एम्पियर लिख लीजिए, 4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। दूसरा प्रश्न लिखिए यदि किसी चालक में 4 एम्पियर की धारा आधे मिनट तक प्रवाहित किया जाता हो तो कितने कूलाम का आवेश प्रवाहित हुआ। आपको पता है कि I बराबर 4 एम्पियर और T बराबर आधा मिनट का मतलब 30 सेकेंड। तो Q बराबर जानते हैं कि I इंटू टी होता है, आई है 4, टी है 30, तो 30 × 120 कूलाम। लगा लीजिए, हो गया। अगला नंबर लिखिए, किसी चालक को 20 एम्पियर की धारा से 40 सेकेंड तक आवेशित किया जाता हो तो चालक पर कुल कितने कूलाम का आवेश इकट्ठा होगा। तो Q बराबर
आई इंटू टी। आई बराबर कितना दिया है 20 एम्पियर, टी बराबर 40 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 800 कूलम। हो गया। अगला नंबर लिखिए, बोले किसी चालक में, बीस एम्पियर की धारा, 20 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता है, जिसका प्रतिरोध 2 ओम है, तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। विभवांतर की गणना कीजिए। अब देखिए, I बराबर दिया है 20 एम्पियर, R बराबर दिया है 2 ओम, ठीक है, तो भी ज्ञात करना है, तो भी बराबर I इंटू R से I का मान 20, R का मान 2, तो 20 दुना के 40 वोल्ट। हो गया। बोलिए, लगा चालीस वोल्ट। चलिए अगला नंबर लिखिए, किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है, यदि इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ठीक है।
अब देखिए हमें पता है कि भी बराबर डेल्टा भी बराबर या भी बराबर 50 वोल्ट ठीक है, और धारा I बराबर 5 एम्पियर, तो भी बराबर I इंटू आर से, अब R बराबर हो जाएगा भी अपान I, इसी में रख दिया जाए तो 50/5 यानी कितना 10, तो ये 10 ओम प्रतिरोध का मात्रक क्या ओम होता है, तो 10 ओम। हो गया, बोलिए। अब अगला नंबर लिखिए, अगला नंबर लिखिए, किसी चालक का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध 20 ओम है जिसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाता हो तो चालक के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो आपको पता है कि R बराबर 20 ओम, I बराबर 8 एम्पियर, तो V बराबर R I, तो 20 × 8 इसका मतलब 160 वोल्ट। V बराबर कितना 160 वोल्ट। हो गया, लिख लिए। अगला नंबर लिखिए, यदि किसी तार या चालक जो भी किसी तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 0.1 मीटर स्क्वायर तथा चालक की लंबाई 5 मीटर व चालक के धातु का
का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध 5 ओम मीटर हो तो चालक का प्रतिरोध की गणना कीजिए, की गणना कीजिए। अब देखिए इसी तरह प्रश्न बढ़ता है, प्रश्न लंबा किया जाता है कि अब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दे दिया, तार की लंबाई दे दिया, विशिष्ट प्रतिरोध दे दिया, कहेगा कि अगर इसमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो चालक के सिरों के बीच में विभवांतर बताइए। ठीक है, तो अब इसमें विभवांतर क्या होगा, फिर कहेगा कि 10 सेकंड तक अगर उसमें धारा प्रवाहित किया जाता है 3 एम्पियर का तो बताइए कार्य कितना होगा। तमाम प्रश्न इसी तरह बढ़ता चला जाता है। अब धीरे धीरे हम इसी तरह बढ़ाते जाएंगे आप लोगों के लिए, ठीक है, और हर प्रकार के प्रश्नों का सलूशन करने के बाद ही आगे निकला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए दिया गया है, जैसे ये चालक है, ठीक है, तो इसका ये क्षेत्रफल दिया है, तो ए बराबर दिया है कितना 0.1 मीटर स्क्वायर, और जो लंबाई एल है ये दिया गया है 5 मीटर, तो एल बराबर 5 मीटर, और रो बराबर दिया गया है 5 ओम मीटर, 5 ओम मीटर। इसका मतलब आर बराबर हमें पता है कि रो इंटू एल अपान ए, तो रो का मान है 5, एल का मान है 5, और ए का मान है 0.1, तो हम 10 से ऊपर नीचे क्या कर दें, गुणा 5 में 5 का गुणा होगा 25, गुणे 10 और बटा 1, तो ये हो जाएगा 250 ओम, आर बराबर 250 ओम। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, क्यों समझ में आ गया सभी लोगों को आज जो भी हमने बताया। अभी अभी तो स्टार्ट किए हैं ना, अभी हर प्रकार के न्यूमेरिकल बताएंगे, धीरे धीरे अब हम इसको लेंदी करते जाएंगे कि हर तरह के प्रश्न जो आते हैं कठिन होते हैं वो किस तरह के होंगे, अभी तो सबको मिलाकर बताएंगे, अभी तो स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो हम इस तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। आज तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। अच्छा, आप सभी लोगों को हम बता दें कि हम लोग केवल क्लास करते रहें, कुछ लोग फेयर बना रहे हैं, कुछ लोग फेयर नहीं बना रहे हैं, तो जानते हैं आपकी, चाहे हम जितना भी पढ़ लें या हम ये कहें कि ऑनलाइन हम हर मैटर आपको भेज देंगे, तो ऑनलाइन हम चाहे जितना मेहनत कर लें तो हमारे मेहनत करने से आपको नहीं आएगा, आपको तभी आएगा जब आप स्वयं मेहनत करेंगे। हम आपको केवल गाइड ही कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ के विषय में जानकारी अच्छी से अच्छी दे सकते हैं, लेकिन अगर उस पर आप मेहनत नहीं करेंगे, उस पर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उस पर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उस पर आप विचार नहीं करेंगे, तो कोई फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल पर हम भेज देंगे तो भी ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाएगा, वो पीडीएफ फाइल पड़ा ही रह जाएगा, आप जब उसको पढ़ेंगे नहीं, आप जब उसको सॉल्व नहीं करेंगे, आप जब उसको देखेंगे नहीं, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो आप पढ़ेंगे कैसे, आपको आएगा, संभव ही नहीं है कि आपको आएगा। तो आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे, हमारे मेहनत करने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हम ये कहें कि आपको टॉप करा देंगे तो हमारे कहने से आप यूपी बोर्ड थोड़े टॉप कर पाएंगे, हमारे कहने से आप यूपी बोर्ड टॉप नहीं करेंगे, ना ही आप सपना देखने से, आप सपना रोज देखिए,
हम बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत मेहनत करेंगे, कल से करेंगे, तो कल से करने से नहीं होगा। और केवल सपना देखने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। हम सभी लोगों को मिलकर ईमानदारी से मेहनत करना पड़ेगा। कुछ लोगों से हमसे बात हुई तो कुछ लोगों का कहना ये है कि हमारे पास बुक नहीं है, बुक तो जहाँ पढ़ रहे थे वहाँ पर है। भाई बहुत लोग प्रयागराज में थे, इलाहाबाद में, वो घर चले गए तो बुक तो ले नहीं गए, उनके पास बुक है नहीं। तो आपको हम बता दें कि देखिए, आपके अगल बगल में, अड़ोस पड़ोस में बहुत सारे लोग इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले होंगे, आप उनसे इंटरमीडिएट का बुक ले लीजिए। अब अगर वो बुक नहीं देते हैं तो आप अपने मोबाइल में फ़ोटो खींच लीजिए और आप फ़ोटो खींच के उसको जाकर आप प्रतिदिन पढ़िए, ठीक है। और अगर किसी के पास बुक नहीं है तो वो हमसे बता दें तो हम उसको जो है NCERT का PDF भेज देंगे, और NCERT बुक का PDF भेज देंगे, उससे आप पढ़िए, क्योंकि NCERT से ही आना है। और UP बोर्ड में जब आपका अच्छा नंबर आएगा तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। आप BTEC लेवल की तैयारी करना चाहेंगे, इंजीनियर बनना चाहेंगे, डॉक्टर बनना चाहेंगे, तो अगर UP बोर्ड में आपका अच्छा नंबर रहेगा तो मेरिट में तभी आ पाएंगे जब UP बोर्ड में आपका अच्छा नंबर रहेगा इंट्रेंस एग्जामों में। और अगर आप UP बोर्ड में अच्छा नंबर नहीं लाएंगे तो फिर आगे आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हर जगह मेरिट ही देखा जाता है। तो इसलिए भाई आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इंट्रेंस तो होता ही होता है, आपको परीक्षा भी देना है और साथ ही साथ UP बोर्ड का जो नंबर होगा वो नंबर भी गेन किया जाता है। अगर आप 30% पाकर, 45% पाकर, 50% पाकर आप सोचो BTEC की तैयारी कर लेंगे तो आप बाहर हो जाओगे, आप नहीं कर पाओगे BTEC की तैयारी, न वहाँ जा पाओगे, आपको तुरंत लोग बाहर कर देंगे आपका रिजल्ट देखते ही, भले ही आप इंट्रेंस एग्जाम टॉप कर जाओ, तो टॉप करने से कुछ नहीं होगा, ये समझ लीजिए। आपको UP बोर्ड में अच्छा नंबर लाना ही पड़ेगा तभी जाके आप आगे निकल पाएंगे। और UP बोर्ड में नंबर तभी आएगा जब आप मेहनत करेंगे। आपको यही 2-4 साल मिलेगा अपने पूरे लाइफ को सिक्योर करने के लिए, मैक्सिमम मान के चलिए 4-5 साल। इसी 4-5 साल में आपको जो बनना होगा वो बन जाएंगे, आप जिस रास्ते पर चलना चाहेंगे वो आपका टारगेट मिल जाएगा। लेकिन अगर इसी 4-5 साल में आप आनाकानी कर दिए तो फिर आपका पूरा जिंदगी चौपट हो जाएगा, पूरा जिंदगी आप पछताओगे, काश अगर हम भी कर लिए होते, काश अगर हम भी पढ़ लिए होते, तो आप सिर्फ पछताओगे, पछताने के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए आप सभी बिना किसी बहाना का आप तैयारी करिए, पढ़ाई करिए, कोई चाहे आपको जितना भरमा ले तो आप उसके भ्रम में मत आइए, आप अपनी पढ़ाई करिए। आप लोगों से समय चुरा कर आप अपनी पढ़ाई करिए। आपको लगता होगा कि जो भी व्यक्ति आपको डिस्टर्ब कर रहा है या वो व्यक्ति आपको मना कर रहा है, उससे आप कुछ चर्चा ही न करिए और आप अपनी पढ़ाई करिए। आपको कहीं पर भी, अब इस समय लॉकडाउन लगा हुआ है, आप सोचिए कि चाहे जितने भी लोग होंगे, जहाँ भी होंगे, उनके साथ कोई नहीं है, सिर्फ क्या है, उनके पास जो ज्ञान है वही उनके साथ है, और अंत में केवल ज्ञान ही आपके साथ रहेगा। न माँ बाप रहेंगे, न भाई भाई बहन रहेंगे, कोई भी आपके साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ आपका ज्ञान ही आपके साथ रहेगा। इसलिए आप सभी जो है अध्ययन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करिए, ताकि इधर 2-4-5 साल के अंतर्गत आप अच्छे जगह पहुँच जाइए और अपना सिक्योर लाइफ कर लीजिए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। माँ बाप जो आशा रखे हैं, उम्मीद रखे हैं, उस पर आप खड़ा उतरिए। खड़ा उतरने के लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा, इसमें तो दो राय नहीं है। आज का कंपटीशन बहुत हाई लेवल का कंपटीशन हो चुका है। पहले जिस एग्ज़ाम के लिए, इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए 1,50,000-60,000 फार्म पड़ते थे, आज उसी एग्ज़ाम के लिए करोड़ों में फार्म पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि पीछे जो लोग निकाल चुके हैं इंट्रेंस एग्जाम चाहे अन्य चीज़, वो उनको बैठा दिया जाए आज के डेट में तो वो नहीं निकाल पाएंगे। ये याद रखिएगा, कंपटीशन बहुत हाई हो चुका है,
इसलिए आप सभी अध्ययन करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए और मेहनत के ऊपर ही भरोसा रखिए, किसी के कहने और सुनने पर भरोसा न रखिए। जितना आप पढ़ेंगे मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। कल मिलेंगे हम तो इसके आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।